प्रीवियस क्लासेस में हमने मेन पेज जो था हमारा प्रोडक्ट्स का पेज वो हमने बना लिया था, जिसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके एक अदर लूप चलाया था और अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर दिखा दी थी। नीचे हमने एक ऐड टू कार्ट का बटन बनाया था जो कि हमें कार्ट के cart.php के पेज पे लेके जाएगा, लेकिन साथ में cart.php के पेज पे जब लेके जाएगा तो हमारी एक तो आईडी लेके जाएगा और सेकेंड एक अदद एक्शन के एक्शन एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू लेके जाएगा ऐड। अब कार्ट के पेज पे आ गए और कार्ट के पेज पे हमने ये कहा कि इफ़ इस सेट $_ रिक्वेस्ट में आईडी आ जाए, जो कि हम इस पेज से भेज रहे हैं, ठीक है, ये वाली आईडी, अगर हमारे पास आईडी आ जाए तो क्या करो, $_ के वेरिएबल में आईडी डाल दो और रिक्वेस्ट के अंदर जो एक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो मैंने एक्शन में जो ऐड भेजा है एक्शन वेरिएबल आ गया, तो उस एक्शन की वैल्यू जो है वो $_ के वेरिएबल में डाल दो। तो मेरे पास $_ में क्या आ गया, ऐड आ गया और आईडी के अंदर जो भी उस प्रोडक्ट की आईडी होगी 1234 वो इसमें आ चुकी होगी। उसके बाद हमने ये कहा कि एक अदद स्विच स्टेटमेंट बनाई और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने ये कहा कि डॉलर एक्शन यानी कि इस वेरिएबल के अंदर में हमने कुछ केसेस बना लिए कि अगर ऐड आ जाए तो क्या करो, एक प्रोडक्ट सेशन कार्ड एक वेरिएबल बनाओ और उसका जो उसके अंदर एक आईडी उसका इंडेक्स होगा उसके अंदर उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दो, 1 के बराबर अगर पहले से मौजूद नहीं है, और अगर पहले से मौजूद है तो उसमें 1 का इजाफा कर दो। ब्रेक, अगर ये अगर ऐड आता है तो बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, और अगर ऐड नहीं होता तो फिर ये वाला केस चलेगा, रिमूव को देखेगा, अगर रिमूव आया होगा मेन पेज से तो रिमूव कभी नहीं आएगा, वो इसी पेज से रिमूव आएगा, अगर रिमूव आए तो क्या करो, इसके कार्ट में से उस आईडी की 1 का 1 की कमी कर दो, ठीक है, और एक वक्त पे ऐसा होगा कि वो उसकी डॉलर आईडी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त क्या कर दो, उस आईडी को उस प्रोडक्ट को अनसेट कर दो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या कर दो, अनसेट कर दो, ख़त्म कर दो। अच्छा, और नीचे की तमाम चीज़ें ब्रेक कर दो, अगर ऊपर दोनों केसेस में से कुछ भी नहीं आया होगा और क्लियर आया होगा तो वो क्या करेगा, पूरे कार्ड को अनसेट कर देगा, ठीक है, यानी कि क्लियर कर देगा। हमने कुछ नीचे कुछ HTML लिखी थी, हमने कहा था कि हमारा एक टेबल होगा जिसके अंदर ये कॉलम्स होंगे, सीरियल नंबर, इमेज, प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल और एक्शन, तो सीरियल नंबर में सीरियल नंबर हमारा चलेगा, इमेज आएगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के प्राइस आएंगे, क्वांटिटी आएगी उसकी, सब टोटल आएगा और एक्शन आएगा। फॉर ईच का लूप लगा के हमने अपनी प्रोडक्ट को निकाला था, उसमें से प्राइस को मल्टीप्लाई किया था वैल्यू से और ग्रैंड टोटल के अंदर हर बार लूप के साथ ऐड करते गए थे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने एक लूप के थ्रू व्यू करवा दिया था और एक्शन के अंदर हमने ये कहा था कि देखें ये है माइनस, ऐड यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है माइनस, तो यहाँ से रिमूव जा रहा है एक्शन के अंदर, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा कौन सा वाला सेशन ये चल रहा है केस, ये रिमूव वाला केस चल रहा है। उसके बाद नीचे हमने कहा था कि कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करोगे तो मेन पेज पे चले जाओगे, लेकिन सेशन में चीज़ें बरकरार रही क्योंकि सारी प्रोडक्ट हम सेशन में रख रहे हैं। उसके बाद cart.php के पेज पे ही रहो, अगर क्लियर कार्ड के पेज के ऊपर कोई क्लिक कर दे, क्लियर कार्ड के टेक्स्ट पे कोई अगर क्लिक करे तो एक्शन में क्या भेज दो, क्लियर, तो उस सिचुएशन में मेरा ये वाला केस चलेगा, ठीक है। और लास्ट के अंदर हमने ये कहा था कि अगर यूज़र आगे प्रोसीड करना चाहेगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो वो किस पे क्लिक करेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन पे, तो ऑर्डर कंफर्मेशन पे चला जाएगा यहाँ से। फिर हमने ऑर्डर कंफर्मेशन में ये कहा कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको कहाँ भेज दो, इंडेक्स के पेज पे भेज, लॉगिन के पेज पे भेज दो, और अगर लॉगिन है ऑलरेडी तो फिर आप उसको इसी पेज पे रखो। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वरना इसके अंदर स्टेटमेंट डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा है, वरना फिर ये डॉक टाइप को पूरा उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। मैं काम ये करता हूँ कि अच्छा, मैंने इसमें आपको 4-5 कंडीशन बना के भी बताई थी लास्ट टाइम कि आप इसी तरह से कंडीशन बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्या कह दिया, If not is set, अगर set नहीं है session में user, तो उसको कहाँ भेज दो, login.php के पेज पे भेज दो।
अदरवाइज नीचे आ जाएगा और ये सब काम होगा। क्या काम होगा वो अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर कंफर्मेशन का पेज है। ऑर्डर कंफर्मेशन में क्या होगा, अगर आपसे कोई भी शख्स कोई चीज कंफर्म करेगा तो वो किस तरह से कंफर्म करेगा? प्रोडक्ट आपको दोबारा दिखा देगा और प्रोडक्ट दिखाने के बाद आपसे कहेगा कि देखें ये तमाम चीजें हैं। जैसे आप लोग एग्रीमेंट साइन नहीं करते किसी चीज का कि देखो भाई ये प्राइस है, अब आप देख लें, अब आप ओके करते हैं, जैसे ही वो ओके करता है तो फिर आगे प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, एक बार और उसकी प्रोडक्ट दिखा देंगे कि भाई देख लें ये प्रोडक्ट हैं, आप ओके करते हैं, एग्री करते हैं। वो बोल देगा यस मैं करता हूँ एग्री, तो फिर कहाँ आप लेके जाएंगे उसको, आगे लेके जाएंगे, नहीं तो आप उसको इसी पेज पे रखेंगे या बैक कर देंगे। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले मैंने वही चीजें दोबारा दिखानी है जो कि मैं कार्ड के पेज पे उसको दिखा रहा था, लेकिन यहां पे एक हेडिंग होगी मेरे पास, ऑर्डर कंफर्मेशन की। ठीक है, एक हेडिंग मैंने लगा दी ऑर्डर कंफर्मेशन, और इसके नीचे हम वही तमाम चीजें रख देंगे जो कि हमने यहां पे रखी थी, पूरा ये वाला टेबल, लेकिन कुछ चीजें कम कर देंगे इस टेबल में से, पूरा वो कार्ड वाला टेबल। इसमें से देखें क्या चीजें हम कम करेंगे, एक्शन नहीं होगा यहां पे, यहां पर वो कम ज्यादा नहीं कर सकता। यहां पर सीरियल नंबर अगर दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा दें, नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो ना दिखाएं। ठीक है, बल्कि काम कर लेते हैं या थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देते हैं, कर दें चेंज। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी लगी हुई है ना, इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं कभी भी नहीं बोलता। डिव क्लास प्रोडक्ट अच्छा, ये प्रोडक्ट्स होंगी जो हर बार लूप में चलेंगी। ठीक है, और एक मेरे पास और भी थी, छोड़ो यार इसको क्या करेंगे, स्टाइल लेके। अच्छा, यहां से मैं अब ले लेता हूं, ये सारी चीजें
है, देखो फॉर ईच का लूप यहाँ से शुरू हुआ, बन नहीं हुआ, तो ये डिफ किसके अंदर चली जाएगी आपकी, इस लूप के अंदर, ठीक है। ठीक है ना, ये आपका लूप आ गया नीचे, यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, मजीद आपके पास क्या है, एक अदद इमेज, ये किसकी इमेज होगी आपकी, प्रोडक्ट की इमेज होगी आपकी। यहाँ पे हम बराबर में प्रोडक्ट की इमेज दिखा देंगे और उसके नीचे उसकी तमाम डिटेल दिखा देंगे, ठीक है। डिटेल कैसे दिखाते हैं हम लोग, डिटेल ऐसे दिखा देंगे कि प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और उसके अंदर उसके प्रोडक्ट दिखा दें उसकी, प्रोडक्ट नेम दिखाना सही रहेगा, चलो सही है, दिखा दें। अच्छा, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद जेड लेबल, सेकेंड लेवल बनेगा प्रोडक्ट नेम के बाद, प्रोडक्ट के प्राइस, उसके बाद लेवल आपका बनेगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी, आप उसका दिखा दें टोटल या सब टोटल कह लें उसको आप, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नाम भी होगा ना, प्रोडक्ट का नाम था कोई, क्या आ गया आपके पास, नेम आ जाएगा, ठीक है। प्राइस, प्राइस मैं यहां से ले लेता हूं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कैसे निकालना है उसकी, वैल्यू से ना, ये ऐसे नहीं आएगा हमारे पास, ये आएगा डॉलर वैल्यू ये लूप के थ्रू, और सब टोटल कैसे आएगा, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे डॉलर वैल्यू से, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो और तो ये हमारे पास किस में चलेगा, हर बार लूप के अंदर, और लास्ट में आपके पास नीचे क्या आ जाएगा उसका, ग्रैंड टोटल, ये लूप चलता रहेगा और लास्ट में आप लोग क्या दिखा दोगे, ग्रैंड टोटल। अब ये आप अच्छा सा करके दिखाना, ये आप खूबसूरती लाना, ये आपका काम है, ठीक है।
उसको हमने लॉगिन करवा के कहीं भेजा नहीं। हाँ भेजना चाहिए था ना। लॉगिन का पेज खोलता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या मसला है। ये कर दो। और इसको कहाँ भेजो, कहाँ भेज दो इसको वापस लॉगिन के बाद? ऑर्डर कंफर्मेशन के पेज पे भेज दो ना। तो ये हमने यहाँ लिखा क्यों नहीं? या लिखा था, लाइट चली गई होगी। लिखा तो होगा यार, लिखा था ना, वो लाइट चली गई। हाँ अच्छा, सेशन में यू कैपिटल है यूज़र का, और यहाँ पर हमने क्या रखा है? यू स्मॉल लिखा है, इसको भी क्या कर दो कैपिटल। चाहिए प्रोडक्ट्स आ गई हमारी। थोड़ा सा इसकी वेट वगैरह को हम लोग सेट कर लेते हैं। इसको रखा है 12 के बराबर, कॉल डैश एमडी डैश 12। तो ये ले क्यों नहीं रहा? कॉल डैश एमडी डैश 12। ठीक है, अब इसको सेट कर लेते हैं। सिक्स ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम ब्लू टी शर्ट, प्रोडक्ट प्राइस 800, प्रोडक्ट क्वांटिटी 1। इनको अलग अलग दिखाना चाह रहा है, इनको अलग अलग दिखा दें। इनको हमने रखा है एक उसमें। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर। और ये हमारे पास आ गया आखिर में इसका टोटल, ये प्रोडक्ट इतनी, ये प्रोडक्ट इतनी, और नीचे उसका टोटल भी आ गया। ठीक है,
कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी इस तरह से आती रहेंगी, और ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। और आगे मज़ीद आप लोग क्या दिखा दें, इसका नेक्स्ट वगैरह दिखाना चाहें वो नेक्स्ट दिखा दें, डिज़ाइन आप लोग करेंगे, मैं इसका डिज़ाइन पे काम इतना ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक और बटन दिखा देंगे। हाँ यहीं पे नीचे एक और काम करें, लगे हाथों तो ज़्यादा बेहतर है। एक और यहाँ पर हम लोग सेकंड काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे अपनी जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट, ये बल्कि पेमेंट मेथड दिखा देते हैं यहाँ पे। पेमेंट मेथड भी हम लोग यहीं दिखा देंगे कि वो कौन सा पेमेंट मेथड फॉलो करना चाहता है। देखेगा नीचे से पेमेंट मेथड भी चूज कर लेगा। दो मेथड भी आपने नीचे दिखा दिए, और उसके बाद टाइप सबमिट क्लास btn btn डैश डिफॉल्ट ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे क्या दिखा दिया, यूज़र को पेमेंट मेथड भी दिखा दिया, वो उनमें से क्या करेगा एक मेथड को चूज़ करेगा और आगे सबमिट कर देगा। उसने ये देख लिया हाँ जी ये है, और मज़ीद आगे इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट। एक मेथड चूज करेगा और इसको आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देगा। ठीक है,
जब नेक्स्ट करेगा तो यहाँ से बटन में मेरे हमारे पास क्या चीज़ जाएगी, या तो कैश जाएगा या पेपॉल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जाएगी। और अदरवाइज यहाँ पे एक और चीज़ अगर रखना चाहें कि कैंसिल ऑर्डर, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सेशन कार्ड को दोबारा से उसी तरह डिस्ट्रॉय करवा दें चाहें तो, नहीं तो आगे इसको जाने दें, हम लोग आगे जाने देते हैं फिलहाल। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर वो ऑर्डर कंफर्म कर देगा और पेमेंट मेथड चूज़ कर लेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, अब इसके ऑर्डर को सबमिट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हाँ, इसके ऑर्डर को सबमिट करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, डेटाबेस में अपडेट करना चाहिए? तो बना लेते हैं फिर टेबल। किसका भी टेबल बना लें एक अदद? हाँ, ऑर्डर का टेबल बना लें, गुड। टेबल का नाम क्या रख दें? ऑर्डर, ऑर्डर की आईडी, और ऑर्डर की आईडी के बाद क्या और चीज़ होनी चाहिए? यूजर की आईडी, किसने भेजा है, इंपॉर्टेंट है या नहीं? यूजर की आईडी, और क्या होना चाहिए? यूजर की आईपी, प्रोडक्ट कहां से आ गई अभी, यूजर की आईपी, ये जरूरी है या नहीं? ये बोलो नहीं है, जरूरी है यार, ठीक है, यूजर की आईपी, उसके अलावा और हाँ और क्या जरूरी है? कोड, कौन सा कोड? नहीं, प्रोडक्ट इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ऑर्डर आएगा, इसमें आपके पास पेमेंट मेथड आएगा एक, ठीक है। मैं इसमें दो फील्ड और ऐड कर रहा हूँ, स्टेटस और डेट टाइम, ठीक है। इंटीजर यूज़र आईडी वार चार रख लें, और यूज़र आईपी वार चार रख लें, मेथड वार चार, स्टेटस वार चार, डेट टाइम, ठीक है। ऑर्डर का टेबल क्रिएट, ऑर्डर की आईडी, यूजर आईडी, यूजर की आईपी, मेथड यानी कि पेमेंट मेथड, और जो है स्टेटस, और ये इसको पेमेंट मेथड कर लूं या याद रहेगा आपको? भूल जाते हैं ना आप लोग, पेमेंट मेथड हो गया। यूजर के टेबल से यूजर का रिलेशन, रीजन बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाना चाहो ना बनाओ, नीड नहीं है कोई ज्यादा, हम उसकी आईडी से जब चाहे निकाल सकते हैं उसको, कोई मसला तो नहीं है ना। रिलेशन का ये होता है कि जब मैं ये चाहूं कि इस यूजर को डिलीट करूं तो उसकी प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाए, तो उस वक्त रिलेशन बन रहा होता है। इसका हम रिलेशन वैसे ही निकाल लेंगे, हमारे पास आईडी आएगी, हम आईडी से जब चाहे यूज़र को निकाल लें या यूज़र के ऑर्डर्स को निकाल लें, जब चाहे निकाल, मसला ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बनाना चाहे बना दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ना बनाए तो भी कोई मसला नहीं है इस वक्त रिलेशन। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करते हैं इस रिकॉर्ड को, यहीं पे कर दें, जहाँ चाहे कर दें, यहाँ पर बना लें, ऐसा करते हैं इसको, यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही रखते हैं ना इसके, ताकि आपको पता चले ये इसी का कोड है। मैंने कहा इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर क्या आ जाए बटन, तो क्या
क्या करो, तो क्या करो, क्यूरी चला दो। ठीक है, कौन सी क्यूरी? इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू ऑर्डर। ठीक है, वैल्यूज पहली हो जाएगी ऑर्डर की आईडी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है। सेकंड मेरे पास है यूजर की आईडी, तो यूजर की आईडी कहां से आएगी? कहां से आएगी? यहां से आ जाएगी। सेकंड क्या चीज चाहिए मुझे? यूजर की आईपी। यूजर की आईपी कैसे आएगी? उसका रिमोट एड्रेस। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी? उसकी आईपी आ जाएगी। रिमोट एड्रेस के बाद पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड कहाँ से आएगा? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से क्या दिया है मैंने नीचे, मेथड। ठीक है, उसके बाद स्टेटस। स्टेटस जब भी यहां से कोई ऑर्डर प्लेस होगा उसका स्टेटस क्या होगा? पेंडिंग स्टेटस होगा, पेड नहीं होगा। उसका स्टेटस क्या होगा? पेंडिंग होगा, पेड नहीं होगा या डिलीवर्ड नहीं होगा। स्टेटस हमारे पास जो है डिलीवर्ड भी होगा, पेंडिंग भी होगा, पेड भी होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टेटस क्या होगा हमारे पास? पेंडिंग स्टेटस होगा। क्या हो रहा है ये? बाहर चले जाओ जिसको बातें करनी है। बंद सिस्टम तो बंद कर दो। स्टेटस और डेट टाइम। स्टेटस हमने क्या दे दिया? बिल्कुल। और डेट टाइम, के लिए क्या देंगे? नाउ। सही है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः चीज़ें हमारे पास हो। ठीक है जी, क्लियर? बिल्कुल, रन कर दें इस क्यूरी को। सेव कर दूं।